आई केयर हैबिट्स वर्स्ट टू बेस्ट। आईज हमारी बॉडी का बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन है। आईज के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जाने अनजाने हम रोज ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। इससे आईसाइट वीक होती है और बाकी आईज की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या करें और क्या ना करें ताकि आपको 6x6 आईसाइट और सुंदर आईज मिल सके। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आइए सबसे पहले बात करते हैं 5 सबसे बुरी आदतों की जिनसे हमारी आईसाइट वीक होती है और आंखों की बाकी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। नंबर 1, ज्यादा स्क्रीन टाइम। पिछले 10 सालों में चश्मा पहनने वाले टीनेजर्स की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इसका कारण ऑब्वियस था, ज्यादा कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी देखना। जब हम इन स्क्रीन्स की तरफ लगातार बिना पलक झपके देखते रहते हैं तो हमारी आईज ड्राई हो जाती हैं और डेड स्किन सेल्स सरफेस पर इकट्ठे होने लगते हैं। डेड सेल्स ज्यादा इकट्ठे होने से डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं और आई साइट वीक होती है। वैसे तो हम में से काफी लोगों की जॉब्स ही ऐसी है कि सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। हर थोड़ी देर में आप अपनी सीट से उठ सकते हैं या पानी पीने जा सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ आपकी आंखें थोड़ी स्ट्रेस फ्री होंगी बल्कि पानी पीने से आंखों की ड्राइनेस भी कम हो जाएगी। नंबर 2, आंखों को मसलना। हमारी आंखें बहुत ही डेलिकेट होती हैं। जिन लोगों की आंखों को मसलने की आदत पड़ जाती है वो अनजाने में आंखों के नीचे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को सीरियसली डैमेज कर बैठते हैं। यही नहीं, अगर आपके हाथ साफ ना हो तो कीटाणु आपकी उंगलियों से आंखों पर ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे इरिटेशन और एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आपको आंखों पे थोड़ी खुजली भी हो तो हल्के हाथों से ही उसे शांत करें। नंबर 3, सफर करते हुए पढ़ना। ट्रैवलिंग करते हुए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आईज पे काफी स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि जिस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं वो लगातार हिलता रहता है जिससे आंखों के लिए उस पे फोकस करना काफी मुश्किल हो जाता है। खैर, आजकल बुक्स की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली है। फोन पे टेक्स्टिंग करते हुए छोटे छोटे अक्षरों पे ध्यान देना काफी मुश्किल होता है आईज के लिए, जिससे आई साइट धीरे धीरे वीक होने लगती है। इसलिए उबड़ खाबड़ सड़कों पे ट्रैवल करते हुए अननेसेसरी चैटिंग और यहाँ तक कि बुक्स को भी अवॉइड करें। नंबर 4, सनग्लासेस ना पहनना। सनग्लासेस सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं है बल्कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट और हाई एंड विजिबल लाइट्स को आंखों पे डायरेक्ट पड़ने से भी बचाते हैं। लगातार आईज का यूवी रेस से एक्सपोजर होने से कॉर्निया बर्न हो सकता है जिससे आईज बुरी तरह से डैमेज हो सकती हैं और इससे कैटरेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस पहने जिससे यूवी रेस से 100% प्रोटेक्शन मिल सके। नंबर 5, कम लाइट में पढ़ना। घर के बड़ों ने हमेशा हमें टेबल लैंप लगाकर पढ़ने की ही सलाह दी है। कम लाइट में पढ़ने से हमारी आंखों के मसल्स पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है जिससे वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। और अगर आप रात को रूम की लाइट्स को ऑफ करके मोबाइल चलाते हैं फिर तो आईज बहुत ही जल्दी डैमेज होंगी। इसलिए बिना अपने आई मसल्स पे स्ट्रेन डाले हमेशा प्रॉपर लाइट में ही पढ़ाई करें। सो ये थी वो 5 आदतें जो हमारी आईज को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए अब बात करते हैं उन 5 अच्छी आदतों की जिससे हम अपनी वीक आईज को फिर से ठीक कर सकेंगे। नंबर 1, फूड फॉर आईज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बहुत लंबे समय तक स्ट्रांग रहें तो आपको कुछ चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में जियाजेंथिन और ल्यूटिन भरपूर मात्रा में होता है जो आईज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। गाजर जिनमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है उसे आप सैलेड या जूस के फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आंवला में काफी मात्रा में विटामिन सी होता है जो आईज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आंवला सीजन में है तो दिन में 1 रॉ आंवला जरूर खाएं। इसके अलावा ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि 1-2 अखरोट रोज भिगोकर खाएं। मूंग दाल भी आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा नमक खाने से भी आंखें खराब होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे तो आपकी आंखें भी आपका ख्याल रख पाएंगी। नंबर 2, आई एक्सरसाइजेस। हम अपने बॉडी के सभी मसल्स का वर्कआउट करते हैं, चेस्ट, बैक, आर्म्स, लेकिन आई मसल्स का क्या? अगर आप सिर्फ कुछ ही एक्सरसाइज को रोज 3-5 मिनट के लिए ही कर लें तो आप रिजल्ट्स को देखकर हैरान हो जाएंगे। पहला है अपनी आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाना। शुरू में धीरे धीरे करें, 30 सेकंड्स के लिए काफी है। दूसरा है आईज को कसकर भींच लें, 3 सेकंड्स के लिए होल्ड रखें और फिर आंखें खोल दें। तीसरा बहुत सिंपल है, अपने हाथों को आपस में अच्छे से मसलें और अपनी आंखों पे लगा लें। इससे आंखों के मसल्स रिलैक्स होते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में आईज के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसे भी 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से दबाएं। फिर नंगे पैर सुबह घास पर चलना और यहां तक कि ग्रीनरी को देखने से भी आई मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं, इफेक्टिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही
यही है कि हम इन्हें करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो अलार्म सेट करें। नंबर 3, आई वॉश रूटीन। एक बड़ी अच्छी आदत जो आपको इनकलकेट करनी चाहिए वो ये है कि अपने मुंह को पानी से भर लें और फिर फ्रेश वाटर से अपनी आंखों को धोएं। मुंह को पानी से भरने से आंखों का एरिया एक्सपैंड हो जाता है जिससे वो बड़ी अच्छी तरह से धुल जाती हैं। आप अपने आई वॉश रूटीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं आई वॉश कप को खरीद कर। आई वॉश कप में 10 ड्रॉप रोज वाटर के डाल लें और बाकी पानी से भर दें। अब इस कप को अपनी आईज पे कस कर लगाएं और पुतलियों को घुमाएं। ये आई साइट को इम्प्रूव करने का और आंखों को इन्फेक्शन से बचाने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। नंबर 4, रेगुलर आई चेकअप। ये तो हम जानते ही हैं कि आंखें हमारी बॉडी का कितना नाजुक हिस्सा है और इसीलिए इनका रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में एक बार काफी है। आई चेकअप का मतलब सिर्फ विजन स्क्रीनिंग नहीं है बल्कि एक आई स्पेशलिस्ट से प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। आखिर में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी जो लगभग सभी आई प्रॉब्लम्स में फायदेमंद है। आपको बस 3 चीजें चाहिए, बादाम, सौंफ और मिश्री। तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और पीस कर बारीक पाउडर बना लें। आप इस पाउडर को एयरटाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बस रात को सोने से 30 मिनट पहले इस पाउडर का 1 चम्मच ले लें और ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। 3 महीने के लिए लगातार करें, आपकी आंखों को बहुत फायदा होगा। अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है तो इस मिक्सचर का 1 छोटा चम्मच पानी के साथ ले लें। सो अपनी आंखों को डैमेज करना, इग्नोर करना बंद करें बल्कि अपनी आंखों का पूरा ध्यान रखें क्योंकि आपकी आंखें आपके मुंह से ज्यादा ऊंचा बोलती हैं। एक मजेदार बात बताता हूं, क्या आपको पता है कि हमारे मुंह की लार एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में इतनी रिच होती है कि अगर सुबह उठते ही इसे आंखों के ऊपर और आसपास लगाया जाए तो ये आईसाइट को इम्प्रूव करती है और डार्क सर्कल्स को तो कुछ ही हफ्तों में खत्म कर देती है। इसके लाइव एग्जांपल्स जानवरों में देखे जा सकते हैं जो अपने गहरे से गहरे घाव महज चाट कर ही भर लेते हैं। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे सुनकर, लेकिन प्रकृति ने हमें इसी तरह बनाया है। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस के लिए मसाज ऑयल खरीदना चाहते हैं तो एक्टे लाइफ साइंसेज का लूज इंच स्लिमिंग ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं। मार्केट में बाकी स्लिमिंग ऑयल्स के मुकाबले एक्टे का ये स्लिमिंग ऑयल में कोई भी हार्श केमिकल या मिनरल ऑयल वगैरह नहीं डाला हुआ। एक्चुअली आप चाहें तो इस स्लिमिंग ऑयल को घर पे खुद ही बना सकते हैं। बेसिकली गुग्गल, शलाकी, शिमला मिर्च और दालचीनी जैसे इंग्रेडिएंट्स को तिल के तेल में पकाया गया है। इस स्लिमिंग ऑयल को यूज करने के लिए थोड़ा सा हाथों में लेकर पेट पे सर्कुलर मोशन में रगड़ सकते हैं। हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी जिससे पता लगता है कि ये काम कर रहा है। कंपनी का दावा है कि अगर आप इसे रेगुलरली यूज करेंगे तो 8 हफ्तों में आपको विजिबली फर्क दिख जाएगा। खैर, इस स्लिमिंग ऑयल के कोई भी साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। सो एक्टे लाइफ साइंसेज के लूज इंच स्लिमिंग ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।